नमस्कार दर्शक बंधु, मुँ आपण मानक स्वागत करछि मोर आपण मानक प्रिय यूट्यूब चैनल स्टडी लोरी रे। प्रथमतः आपण मानक अशेष अशेष धन्यवाद जे कि मु जे होमवर्क सब दौची आपण माने ता कमेंट सेक्शन रे लिखुचंती। आशा करूछि आगु मध्य सेमती जे कोनोसी होमवर्क देबी आपण माने करिवे। होमवर्कटा आपण मानक पई से जहां आपण लिखिवे सेटा आपण मानक पई प्रॉफिट। तेणु होमवर्कटा आपण मानकर करिबा निहाती दरकार। आउ इंग्लिश पई दुई दिन समय मागिची, दुई दिन समय दियंतु। भर उपरे वीडियो ने आसीबी एरर डिटेक्शन ने कि किछि प्रॉब्लम होबनी। दुई दिन समय मते दियंतु। त आज बिना कोनसी टाइम वेस्ट न करी आसंतु आरंभ करनबा आज करेंट अफेयर सेशन को। त आज सेशन प्रथम क्वेश्चन होउची बहुत ही इंपोर्टेंट, हु हाज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ इसरो इन जनवरी 2022। जनवरी 2022 रे वर्तमान काहा को इसरोर चीफ भावरे अपॉइंट करा जाइछि? तो तहार सठिक आंसर होउछि एस सोमनाथ। तो वर्तमान एस सोमनाथ होउछंती इसरोर नुवा चेयरमैन। तो आसन जानबा इसरो विषय रे। अच्छा, इसरोर फुल फॉर्म कोन? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरोर हेड क्वार्टर कोठी? बेंगलुरु। अच्छा, बेंगलुरु कोठी? ना कर्नाटक रे। अच्छा, इसरो केबे एस्टाब्लिश हेतला? ना 15 अगस्त 1969 रे। आउ इसरोर वर्तमान चेयरमैन किए? ना एस सोमनाथ। ये वर्तमान आगामी 3 वर्ष पई कि इसरोर चेयरमैन रहबे। तांको पूर्वरु किए थिले इसरोर चेयरमैन? ना के शिवन। एतिक आपण इसरोर डिटेल विषय मन रखंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन होची, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज पार्टनर्ड विथ IBM to set up a quantum computing laboratory across the globe। तो वर्तमान केउ कंपनी IBM सहित पार्टनरशिप करिछि जे कि पूरा दुनिया रे क्वांटम कंप्यूटिंग लैबोरेटरी कोन एस्टेब्लिश करिया पई? तार सठिक आंसर रहउछि ऑप्शन सी कैप जेमिनी। कैप जेमिनी वर्तमान IBM। IBM रो फुल फॉर्म कोन? ना इंटरनेशनल बिजनेस मेसीन्स। अच्छा, IBM रो हेडक्वार्टर कोठी? ना न्यूयॉर्क रे। वर्तमान कैप जेमिनी IBM सहित पार्टनरशिप करिछि जे कि पूरा दुनिया रे तार क्वांटम कंप्यूटिंग लैबोरेटरी एस्टेब्लिश करिवो। अच्छा, क्वांटम थ्योरी जानिथिबे केते कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी, बुझि होजि? तो एई सबु जिंस जानिया पई कि सबु दुनिया रे कोन कैप जेमिनी वर्तमान कंप्यूटिंग लैब एस्टेब्लिश करिवो आ क्वांटम एप्लीकेशन डेवलप करिवो। तो एटा होची यार लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन होची, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑस्ट्रेलियन वाइन ब्रांड जैकब्स क्रिक इन जनवरी 2022। तो वर्तमान कहा को ऑस्ट्रेलिया रो गोटे मद कंपनी वाइन ब्रांड तार कंपनी ना कौन? ना जैकब्स क्रिक। तो कहा को तार ब्रांड एम्बेसडर भाव अपॉइंट कर दीजिए? तार सठिक आंसर मिथाली राज। आमर इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम रो कैप्टेन मिथाली राज को वर्तमान ऑस्ट्रेलिया रो गोटे मद कंपनी जहार ना जैकब्स क्रिक तार ब्रांड एम्बेसडर भाव अपॉइंट करा जाइछ। त देखो तो लिखा है ऑप्शन ए सलमान खान। आपण मैंने जानिथिबे सलमान खान को आमर महाराष्ट्र गवर्नमेंट वैक्सीन एम्बेसडर रूप से अपॉइंट करिछि। तापर आसिला ऑप्शन बी मिथाली राज जानिले। ऑप्शन सी दीपिका पादुकोन को आदिदास तार शू पई माने जूता पई ब्रांड एम्बेसडर रूप से अपॉइंट करिछि। आ ऋषभ पंत को उत्तराखंड गवर्नमेंट तांको राज्यर ब्रांड एम्बेसडर भाव में अपॉइंट करिछि। अच्छा, राज्यर ब्रांड एम्बेसडर आपण जानिछंती आगुरु जो अमिताभ बच्चन आसते गुजरात पई कि कब एक दिन तो गुजरा गुजारिए गुजरात में एमती गोटे कह डायलॉग कह आसुन से गुजरात कौन ब्रांड एम्बेसडर थे। बर्तमान उत्तराखंड ब्रांड एम्बेसडर किए? ना आमर ऋषभ पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन होची, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन सेलिब्रेटेड एज लोरी। तो लोरी केबे पालन करा जाए? ना 13 जनवरी रे। 13 जनवरी रे आमर लोरी डे पालन करा जाए। अच्छा, लोरी होची हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ फार्मर, बुझी होस्त? अच्छा, 1 जनवरी आमर कौन पालन करा जाए? कहीतिली 1 जनवरी विद्यारण तू ताको मारिबुनु सी तो ते मारिबनी झगड़ा फगड़ा नाही
ୱାର୍ଲଡ ପିସ୍ ଡେ, ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଦିବସ। 4th January ୱାର୍ଲଡ ବ୍ରେଲି ଡେ, ଆଉ 12th January କହିଥିଲି ୱାର୍ଲଡ ୟୁଥ୍ ଡେ, ଆଉ 13th January କ'ଣ ନା ଲୋରି ପାଳନ କରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, ଡାନିଏଲ ଓର୍ଟେଗା ହାଜ୍ ବିନ୍ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ଆଜ୍ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଇନ୍ ଜାନୁଆରୀ 2022। ତ ଜାନୁଆରୀ 2022ରେ ଡାନିଏଲ ଓର୍ଟେଗାଙ୍କୁ କେଉଁ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ଇଲେକ୍ଟ କରାଯାଇଛି? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ନିକାରାଗୁଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାନିଏଲ ଓର୍ଟେଗା ନିକାରାଗୁଆ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଚତୁର୍ଥ ଥର ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ନିକାରାଗୁଆ ବିଷୟରେ। ଏତିକି ଖାଲି ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ନିକାରାଗୁଆର କ୍ୟାପିଟାଲ କ'ଣ ନା ମାନାଗୁଆ, ଖାଲି ଗୁଆ, ସେଠି ଜମାରୁ ସେମିତି ନୁହଁ ଖାଲି ଗୁଆ ଥିଲା ବୋଲି କହିଦେଲି, କେବେ ସିରିୟସ୍ଲି ନେବେନି, ଯେଉଁଟା ସିରିୟସ୍ଲି ମୁଁ କହିଦେବି ଯେ ନା ଏଇଟା ସତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେଜ୍ ହାଜ୍ କମ୍ ଅପ୍ ୱିଥ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇନିସିଏଟିଭ୍ସ ଟୁ ଟ୍ରାକ୍ ଲଷ୍ଟ ବିଲଙ୍ଗିଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ପାସେଞ୍ଜର। ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ହଜିଯାଏ ବୁଝିହେଉଛି, ତା ନେଇକି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେ କେଉଁ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଆଣିଛି? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ମିଶନ ଅମାନତ। ଅମାନତ ମାନେ ଯାହା ତମର, ବୁଝିହେଉଛି ମୁଁ କହିବି ଏ ପେନ୍ଟା ହେଉଛି ତା'ର ଅମାନତ, ମାନେ ସିଏ ଦେଇଥିଲା ବା ତା'ର ସେ ଜିନିଷଟା, ବୁଝିହେଉଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାସେଞ୍ଜରଙ୍କର ଟ୍ରେନ୍ରେ ଧର ତାଙ୍କର ଜିନିଷ ହଜିଯାଏ, ତ ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ରେଲୱେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ହେଉଛି ଯେ କି ସେ ମାନେ ଯେଉଁ ପାସେଞ୍ଜରଙ୍କ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି କ'ଣ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବେ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଲୋକର ହଜିଛି ତା ପାଖରେ କେମିତି ତାକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରି ପହଞ୍ଚାଇବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମିଶନ ଅମାନତର କାମ, ବୁଝିହେଲା। ଏଇଟା କେଉଁ କିଏ ଆଣିଛି ନା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେଜ୍ର RPF, ରେଲୱେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ, ବୁଝିହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଡ଼ୁ। ଅପସନ୍ ଦେଖ ଟିକେ ଟିକେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଦେଖିଦ, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଅପସନ୍ ଦେଇନି ମୁଁ, ମିଶନ ମଙ୍ଗଲ, ମିଶନ ଜନ୍ନତ, ମିଶନ ବେଲ୍ ବଟମ୍, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଅପସନ୍, ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ଦିନ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, ହାଉ ମେନି ସ୍କୁଲ୍ସ ୱିଲ୍ ବି ଆୱାର୍ଡେଡ଼୍ ଅଣ୍ଡର ସ୍ୱଚ୍ଛ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପୁରସ୍କାର 2021-22 କାଟେଗୋରୀ। ତ 2021-22 ସ୍ୱଚ୍ଛ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ କେତେଟା ସ୍କୁଲକୁ ନୋମିନେଟ୍ କରାଯାଇଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, 40। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ 2021-22 ପାଇଁ ଆମ ଦେଶରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍କୁଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପୁରସ୍କାର ଅଣ୍ଡରରେ ମାତ୍ର 40 ସ୍କୁଲ ଆସୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ସ୍ୱଚ୍ଛ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପୁରସ୍କାର କାହିଁ ଦିଆଯାଏ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ସ୍କୁଲ ପୁରା ସଫା ସୁତୁରା ଥିବ, ତାଙ୍କର ଫୁଡ୍ ସର୍ଭିଂସ ପୁରା ସଫା ସୁତୁରା ଥିବ, ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍, ସବୁ ଜିନିଷରେ ଟପ୍, କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବାରି ହେବନି, ବୁଝିହେଉଛି। ସେଥି ସକାଶେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଏ, ଆଉ ସେଥିରେ କେତେଟା ସ୍କୁଲ ଆସିଛି ନା 40। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, ଇନ୍ ଜାନୁଆରୀ 2022 ହୁ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ଼୍ ଆଜ୍ ଦ MD ଆଣ୍ଡ CEO ଅଫ୍ ଉଜ୍ଜୀବନ ସ୍ମଲ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫର୍ ଏ ପିରିୟଡ଼୍ ଅଫ୍ 1 ଇୟର୍। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାନୁଆରୀ 2022ରେ କାହାକୁ ଉଜ୍ଜୀବନ ସ୍ମଲ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କର MD ଆଉ CEO ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆପଏଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି? ତାହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ ଏ, ଇଟିରା ଡ୍ୟାଭିସ୍। ଇଟିରା ଡ୍ୟାଭିସ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଜ୍ଜୀବନ ସ୍ମଲ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କର MD ମାନେ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆଉ CEO ମାନେ ହେଉଛି ଚିଫ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ଭାବରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆପଏଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ବିରେ ଲେଖିଛି ମୁଁ ଦିନେଶ କୁମାର ଖରା, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ SBI, ଶଶିଧର ଜଗଦୀଶନ କିଏ CEO ଅଫ୍ HDFC, ସନ୍ଦୀପ ବକ୍ସି CEO ଅଫ୍ ICICI, ବୁଝିହେଉଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ABCD ଏସବୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ CEO ଏମାନଙ୍କ ନାଁ, ତ ଏମାନଙ୍କ ନାଁ ଗୁଡ଼ାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବୋଲିକି ମୁଁ ଅପସନ୍ରେ ବି ନେଇ ଆସିଛି, ଟିକେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ରିଭିଜନ୍ଟା କରାଇ ଦେଉଥିବି, କାଳେ ଭୁଲିଯିବେ ନାଇଁ ଆରେ ଏ ବ୍ୟାଙ୍କର CEO କିଏ ଥିଲେ, ବୁଝିବ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁ ଏଇସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ଆସେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆଗ ଉଜ୍ଜୀବନ ସ୍ମଲ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଚ୍ଛା, ଉଜ୍ଜୀବନ ସ୍ମଲ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର କେଉଁଠି ନା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କହିଥିଲି, ଇସ୍ରୋର ବି ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର କେଉଁଠି ନା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ। ଆଚ୍ଛା, ଉଜ୍ଜୀବନ ସ୍ମଲ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କର ଫର୍ମେସନ୍ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1 February 2017।
आ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक रो वर्तमान मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किए अछंती ना इटिरा डेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन होची आज पर द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 व्हिच स्टेट हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया वाइज। तो ये कहिला कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 अनुसार कौन राज्य रे सबुटु जो को राज्य रे एरिया रे सबुटु अधिका जंगल अछि एरिया वाइज सबुटु अधिका जंगल अछि तार सठिक आंसर कोन ना मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश रो राज्य रे सबुटु अधिका एरिया वाइज जंगल अछि। सेकंड रे की अछि अरुणाचल प्रदेश। थर्ड रे की अछि छत्तीसगढ़। फोर्थ रे की अछि उड़ीसा। देखो पूरा कौन एकाथे नंबर वाइज लिखी दे फास्ट सेकेंड थर्ड फोर कन्फ्यूज हे बुझे लगे तो यही चार्टा सीरीयली आप मन रखे दरकार पड़े ओडार पचारे जब रिपोर्ट अनुसार ओडा के नंबर अच्छी तेणु मन रखते केत नंबर अच्छी ना फोर्थ नंबर आसन जानवा। मध्यप्रदेश विषय मध्यप्रदेश कैपिटाल कौन ना भोपाल। मध्यप्रदेश चीफ मिनिस्टर का ना कौन ना शिवराज सिंह चौहान। अच्छा मध्यप्रदेश बर्तमान गवर्नर किए अच्छा ना मंगू भाई सी पटेल। आपण मानकर होमवर्क आसीगला होमवर्क कौन ना अरुणाचल प्रदेश छत्तीसगढ़ ए दीटा राज्यर आपण मैंने कौन लिखे कैपिटल चीफ मिनिस्टर आउ गवर्नर का ना ये हूँ आपण मानकर काम। आमर नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ अली खान स्मेलव हाज बीन नोमिनेटेड आज द पीएम ऑफ व्हिच कंट्री। तो अली खान स्मेलव को कौ देशर प्राइम मिनिस्टर भाव में अपॉइंट कर तार सठिक आंसर कौन ना तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान रो प्रधानमंत्री भाव में अली खान स्मेलव को अपॉइंट कर नोमिनेट कर आपण मानकर काम तुर्कमेनिस्तान कैपिटल आउ करेंसी कमेंट सेक्शन लिखे मजादार जिनस जानवे जो आप तुर्कमेनिस्तान कैपिटल नाँटा जानवे बुझे। देखो मुझ सीरीयसली कहीदे आपण मैंने प्रायत जो मैंने आलीबाबा चालीस चोर इन जो सीरीयल फिरीयल टाइप देखु थे से ही नाँटा पूरा से ही टाइप रुझे। तेणु ये मजाया जिनस ये कमटा आपण मानक दे काली वीडियो रे मध्य मन कर चेष्टा करी कह कैपिटल कौन मुझे ट्राए करी जो होमवर्क सब देवी वीडियो शेष बेले पर दिन से सब कु आंसर गुड़ाक आपण मानक कह बुझे। तो आपण मान काम रहा तुर्कमेनिस्तान कैपिटल आ करेन्सी कमेंट सेक्शन में लिखे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हूँ इसरो हाज सक्सेसफुली कंडक्टेड क्वालिफिकेशन टेस्ट ऑफ द क्रायोजेनिक इंजन व्हाट इज द नेम ऑफ द इंजन। तो बर्तमान इसरो सक्सेसफुली सफलतापूर्वक क्रायोजेनिक इंजन रो परीक्षण करी तो ये इंजन रो ना कौन देखु आपको किसी एक्स्ट्रा डाटा दे दूँ आमर जो गगनयन स्पेस मिशन हम से जो इंजन लगे से गोटे क्रायोजेनिक इंजन बुझी से क्रायोजेनिक इंजन बर्तमान इसरो सफलतापूर्वक परीक्षण कर सारी। तो क्वेश्चन कहला से इंजन रहा कौन तो इंजन रहा कौन ना इंजन ना हूँ विकास बुझे। देखो केत क्वेश्चन आसपार इसरो इसरो तो बहुत गुड़े क्वेश्चन आज हेडक्वार्टर फुल फॉर्म एस्टाब्लीशमेंट चेयरमैन बुझी कौ टाइप रो इंजन व्यवहार हो क्रायोजेनिक इंजन व्यवहार होच्छा। अच्छा से जो इंजन व्यवहार हो इंजन रो ना कौन बुझी तेणु डिटेल टिके जीवा पड़ो बुझी सब जिनस नॉलेज बढ़ेबार अच्छी टिके डिटेलटा जीवा पड़े बुझी। आमर सफलतार मोर फर्मूला मुझे सर फर्मूला हूँ फोर के केत जगह 2K अप्लाई हुए केत जगह 3K मैक्सिमम हूँ 4K। 4K कौन ना केते बेले केउठी कौन पाई आउ कौन केते बेले केउठी कौन पाई कहा द्वारा बुझी 4K बा किए बुझी एही गुड़ा हूँ सफलतार रहस्य। गोटे जिनस धर जान ले कि नाई भोपाल गैस ट्राजेडी होता तो आम से जाना केत कौटी होता केमी होता कौन होता एट सब हूँ क के आसी जा बुझे कि के जदि आपण मैंने महारत हासिल करे बुझी तेल आउ कि डाउट रही।
ଏହା ହେଲା ସଫଳତାର ମନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ଆପଣ 4K ଫଲୋ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ତାର ଟିକେ ଡିଟେଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଡିଟେଲକୁ ଗଲେ ହିଁ ଧର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଡାଉଟ୍ ବି ଥିବ ନା, ଅଟୋମେଟିକ୍ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହୋଇଯିବ। ବୁଝିହେଉଛି? ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ସଫଳତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିବା ପାଇଁ ଆଶା କରୁଛି। ଆପଣମାନେ କିଛି ନା କିଛି ଜ୍ଞାନ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଭ କରିଥିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ଟିକିଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଯାହା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ସେସନ୍କୁ ଏଇଠି ସାରିବା। ନମସ୍କାର, ଜୟ ହିନ୍ଦ।